नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस पे जो कैसेट चला के देखेंगे और साथ ही साथ कैसेट पे जो रिकॉर्डिंग करके देखेंगे और हम रेडियो चला के जो कैसेट पे रिकॉर्डिंग करके देखेंगे। गाइस, जो रेडियो को साउंड रहता है वो डायरेक्ट जो इस कैसेट पे जो रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो ये सब जो हम इस पे ट्राई करके देखेंगे कि अच्छे से जो इसका काम वगैरह करता है या नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मैंने एसी लाइन से जो है जोड़ लिया है गाइस, और यहाँ पे मैंने बटन को ऑन भी कर लिया पहले से, यहाँ पे ऑन कर लिया है और वॉल्यूम 0 है और बैलेंस को मैं ठीक कर लेता हूँ, बैलेंस ठीक है, टोन भी ठीक है, मतलब मीडियम मीडियम में है सब। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्टर टैप है, ठीक है, स्टूडियो सेलेक्टर है, सब चीज़ सेलेक्टर है। चलिए इसको जो प्ले करके देखते हैं। तो गाइस अच्छी तरीके से जो है प्ले हो रहा है, इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स भी हो रहा है, फॉरवर्ड करते हैं, ये सब तो अच्छे से काम कर रहे हैं। और एक काम करते हैं, इसको हम पॉज करके देखते हैं, पॉज भी हो रहा है, तो इसके सब बटन जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक, चलिए गाना चला के देखते हैं। यहाँ पे एक कैसेट है मेरे पास, इसके साथ ही मिला है ये कैसेट मुझे, तो मैं प्ले करके देखता हूँ। मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा लूज है, ट्यूनिंग को हम फुल कर देते हैं, बैलेंस ठीक है, वॉल्यूम फुल करते हैं, इसका सेट पे कुछ रिकॉर्डिंग है पहले से, मतलब कैसेट पे रिकॉर्डिंग करके देखे थे, इसी वजह से ये गाना चालू हो गया। दूसरा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, फिर वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा रिकॉर्डिंग है। दोस्तों हमारा जितना भी बटन वगैरह है सब अच्छे से जो है काम कर रहा है। हम इस पे एक और कैसेट लगा के देखते हैं, ये भी फ्री में मिला है, इसके साथ प्ले करते हैं। Oh,
वॉल्यूम फुल कर देते हैं तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हमें सुनाई देता है, बट हम मीडियम में सुनते हैं तो सही लगता है हमें। तो कैसेट प्लेयर में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगा है। चलिए अब रिकॉर्डिंग करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैंक कैसेट लगा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम FM को रिकॉर्डिंग करते हैं गाइस। FM में सेलेक्ट कर लेते हैं और ये FM में सेलेक्ट हो गया है। तो चलिए इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग होगा इस पे जो भी चल रहा है FM में। कहाँ चले भैया, डाक जीवन बीमा करवाने? अब भारतीय डाक दे रहे हैं कम प्रीमियम के साथ ज्यादा बोनस वाली इंश्योरेंस पॉलिसी का आनंद। अब शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ व्यवसायी एवं स्नातक डिग्री धारी एवं डिप्लोमा धारी भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही नजदीकी डाकघर से संपर्क करें। दुर्ग डाक संभाग द्वारा जनहित में जारी। कृमि मुक्ति दिवस के दिन जो बच्चे दवा नहीं खा पाए हैं उन्हें मॉप अप दिवस 17 अगस्त 2023 को दवा खिलाई जाएगी। 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में यह दवा निशुल्क खिलाई जाएगी। अपने निकटतम स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। तो दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया रेडियो का। चलिए हम इसको पीछे कर लेते हैं, उसके बाद हम प्ले करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना, अभी जो है टेप में सिलेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कम प्रीमियम के साथ। तो जो अभी हमने चलाया था वही सब अभी जो है अभी चल रहा है इसमें। एवं डिप्लोमा धारी भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही नजदीकी डाकघर से संपर्क करें। दुर्ग डाक संभाग द्वारा जनहित में जारी। कृमि मुक्ति दिवस के दिन जो बच्चे दवा नहीं खा पाए हैं उन्हें मॉप अप। तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो गया है, आप देख सकते हैं। 17 अगस्त 2023 को दवा खिलाई जाएगी। 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में यह दवा निशुल्क खिलाई जाएगी। अपने निकटतम स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। जो गाना अभी चल रहा था इसको मैंने रेडियो से रिकॉर्डिंग किया था पहले। अब इसमें हम हलो हलो बोल के देखते हैं कि वो इस पर रिकॉर्डिंग होता या नहीं होता है। हलो चेक, हलो माइक टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखते हैं जो भी हमने बोला है वो इस पर रिकॉर्डिंग होता या नहीं होता। थोड़ा सा इसको पीछे ले जाते हैं। हेलो माय टेस्टिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका माइक भी अच्छे से जो है काम कर रहा है और रेडियो से भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। कैसेट प्लेयर का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ट्यूनिंग का नॉब भी काम कर रहा है, बैलेंस का भी काम कर रहा है, वॉल्यूम का भी काम कर रहा है। और बस एक दिक्कत मुझे लगा, इस पे ज़्यादा साउंड आ रहा है और इस पे थोड़ा सा कम आ रहा है। तो पता नहीं क्या वायर वगैरह कुछ लूज है या और कुछ दिक्कत है, मुझे पता नहीं। बट इस पे जो है साउंड फुल आ रहा है और इस पे थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है बैलेंस, मतलब बीच में होने के बाद भी। हम एक बार रेडियो चला के देखते हैं, रेडियो में साउंड बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम चेक करते हैं एक बार रेडियो चला के। रेडियो में भी वैसा है। तो दोस्तों रेडियो चला रहे हैं तो भी वैसा हो रहा है, मतलब इस पे अच्छे से जो है हमें साउंड सुनाई दे रहा है बट इस जो है उतना साउंड नहीं सुनाया रहा है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।